वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे एक टॉपिक जो नॉमिनेशन का एसएससी सीजीएल का करने वाला है नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं एक पोस्ट डाल चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एसएससी करेगा, ओके। लेकिन मेरे बात में कोई इतना बच्चे को लगा कि नहीं, इसका बात में कोई दम नहीं है। वो कमेंट में क्या किए ना, वो कमेंट में जाके कुछ उल्टा सीधा अभी सिंह वार लिख दिए, ओके। देखिए भाई, मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, मैं एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ कि मैं एसएससी का कोई एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, ओके। मेरे पास जो इंटरनल सोर्स में आता है उसको मैं बताता हूँ। एंड ए मैं जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में वीडियो बनाया, अगर वो फॉल्स होता तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उम्मीद है 95%। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा अभी क्यों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ नॉमिनेशन होगा, ओके। मैं आपको 95% गारंटी दे सकता हूँ, यस, नॉमिनेशन एसएससी सीजीएल 2017 में हो सकता है या फिर क्वालिफाइंग हो सकता है। बट दोनों के लिए वो क्या किए ना, केस फाइल हो चुका है ऑलरेडी। मैं आपको डिटेल में अभी बताऊँगा, एक सेकेंड रुकिए। तो ठीक है, पहले मैं आपको ख़त्म करना दूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इसीलिए मैं कमेंट सब डिजेबल कर दिया क्योंकि अभी स्विंग कमेंट भाई, मैं जो बोल रहा हूँ कोई तो विश्वास कीजिए, कोई तो भरोसा कीजिए, कुछ तो मैं पॉइंट लेके बोल रहा हूँ, ना कि ऐसे वीडियो बना दो। बहुत बच्चे बोले आपको व्यूज़ लेने के लिए ऐसे अभी स्विंग बोल रहा हूँ, मैं आरटीआई को लिखूंगा, एसएससी के पास लिखूंगा। अरे ठीक है भाई, आपको जहाँ लिखना है लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं अगर मैं कुछ वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जो मेरा मैं अनट्रस्टेड वीडियो है, अनट्रस्ट है, उसमें ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे आप, एसएससी के डायरेक्ट मेरे वीडियो ले कॉपी जाके एसएससी को भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज़ डोंट यूज़ अब्यूज वर्ड, ओके ओके, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कोई तो कुछ इंटरनल सोर्स में लेता हूँ। एक वीडियो में मैं गलती से इंटरनेशनल सोर्स लिख दिया, उसमें इतना कमेंट आया भाई, मैं बोल चुका हूँ वो थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इंटरनल को इंटरनेशनल लिख दिया भाई, तो उसमें क्या हुआ, वो बहुत कमेंट आएगा। तो इंटरनेशनल सोर्स है भाई, ऐसा वर्ड यूज मत करो। इसीलिए आप ऐसे यूज करते हो तो कोई आपको क्या, आपको इसको मोटिवेट नहीं करते हो, आप डीमोटिवेट करते हो। अगर आपको अपडेट चाहिए तो इसी बात में पहला अपडेट है, अगर आपको लाइक मिलेगा तो मैं अपडेट हर दिन का अपडेट दूंगा, हमारा बीच क्या चल रहा है नॉर्मलाइजेशन में, क्यों नहीं होगा, इसमें क्या होगा, वो क्यों केस फाइल किया, कौन बंदा है केस फाइल किया, उसका डिटेल में बताऊंगा आपको। अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मिलेगा तो अच्छा कमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली कमेंट तो मैं डिलीट करूंगा ऑब्वियसली, एंड जो कमेंट मिलेगा इसका अभी उसका मैं प्रूफ दे दूंगा, ओके। तो आपको तब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप एसएससी बैंकर्स अड्डा, एक वेबसाइट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा वेबसाइट है बैंकर्स अड्डा, उसमें जाके उसका बंदे का इंटरव्यू जो देखा होगा वो कभी अभी स्विंग वर्ड यूज़ नहीं करेगा, ओके। अगर वो बंदा बैंकर्स, आपको पता है बैंकर्स अड्डा कितना ट्रस्टेड वेबसाइट होता है, बैंकर्स अड्डा में इंटरव्यू लिया है मीन्स कुछ तो इसका एफिशिएंस होगा, ओके, वो बंदा का, ठीक है। एंड वो बंदा एक ग्रुप बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप बनाया है, ओके। एक ग्रुप में आप सोचेंगे नहीं 7000-8000 रुपीस भी डोनेट करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, क्यों, क्योंकि वो बंदा अभी नॉर्मलाइजेशन के लिए कोर्ट पास, वो बंदा नहीं, मिनिमम बहुत सारे ऐसे बंदा है, 2-3-4-5 बंदा एडमिन बनाए हैं, वो मंडे को केस फाइल करने के लिए जा रहे हैं। अब अपना आज का जो अपडेट है वो मंडे को केस फाइल करने के लिए एसएससी के पास जा, कोर्ट में जा रहे, क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, अभी तो बंदा ग्रुप में 3,45,000 उन्होंने जमा कर दिया, क्योंकि वकील को 4 लाख रुपीज़ देना है, जो हमारा लॉयर को 4 लाख रुपीज़ देना था केस फाइलिंग के लिए। एंड वकील ने मंडे तक उनको टाइम दिया है कि आप 4 लाख रुपीज़ जमा कर दो, मैं मंडे को केस फाइल करवा दूंगा। एंड कोर्ट ने बोला है, सॉरी कोर्ट लॉयर ने बोला है 99% चांस है नॉर्मलाइजेशन होने के एसएससी के। अगर आपको प्रूव नहीं होता है, आपको इसका भी भरोसा नहीं होता है, बैंकर्स अड्डा में जाके उसका इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, बैंकर्स अड्डा जाके आप उसका इंटरव्यू देख सकते हैं, वो डायरेक्ट किससे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्यों नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डिटेल वो एक्सप्लेन किया है, ओके। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन क्या होता है समझना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक कुछ फिगर लेके, ओके। बट पहले इसको मैं बता देता हूँ, अगर उस ग्रुप में आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो 100-200 रुपया उसको दे के ज्वाइन करेंगे, उसका भरोसा बहुत है नॉर्मलाइजेशन के लिए, एंड वो ट्रू है, ओके। बैंकर साइड उसको ट्रू, उसको पिन किया है, बहुत ही अच्छा है वो, मंडे को हमारा जो मंडे को उनका चल रहा है क्या ना केस फाइल होने के लिए, 100% वो जा रहे हैं, एंड एसएससी नॉर्मलाइजेशन करेगा इस बार तो ही करेगा,
अगर वो केस जीत गए तो, एंड वो केस लॉयर ने बोला है 99% चांस है जीतने के लिए नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि एसएससी वेबसाइट में 2010 में मैं खुद उसको सर्च किया है क्यों एसएससी नॉमिनेशन करेगा। मेरे पास बहुत कमेंट आया कि नॉमिनेशन क्या होता है, अभी मैं डिटेल आपको नॉमिनेशन बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एक्चुअली। ओके देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है आपका, देखिए मैं एसएससी वेबसाइट में गया, मैं खुद एसएससी वेबसाइट में गया, मुझे क्या मिला एक सेकेंड, जी 2010 सीएचएसएल एग्ज़ाम याद रखना, 2010 सीएचएसएल एग्ज़ाम में एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फैक्ट लिखा है। अगर आप एसएससी में वेबसाइट में जाएंगे आपको खुद वहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा। ओके तो क्या है वो मैं डिटेल अभी बताता हूँ, वो जो क्या है जो एसएससी सीजीएल 2010। तो नॉर्मलाइजेशन बताता हूँ, जो एसएससी सीजीएल 2000 सॉरी एसएससी सीजीएल 2010 में जो नॉर्मलाइजेशन फैक्ट हुआ था, सपोज फास्ट शिफ्ट याद रखना, फास्ट शिफ्ट में बंदा रखे हैं 195 से इधर 95, 100, 110, 120 के बीच, उसका सेकंड शिफ्ट में सब बंदा रखे 130 प्लस एबव 130, 140, 150, 125 से लेके 125 भी आ जाता है, 125, 130, 160 ऐसे कुछ रखते हैं। अभी क्या है ना, इनका जो मीन है, इनका मीन वो निकाले हैं याद रखना, इनका मीन निकाले या फिर पहले इसका क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। सब इसका मीन आ गया मेरा 100। अब ऐसा नहीं बोलना कमेंट सेक्शन में सर आप गलत बोल रहे हैं, कैलकुलेशन आपका ठीक नहीं है भाई, ये भी कमेंट आया। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं मान लूँ यहाँ पे मीन हमारा 100 आ गया, मैं मान लूँ यहाँ पे मीन 100 आ गया, यहाँ पे मेरा मीन आ गया कितना 140। ओके सपोज मान लो, तो इनका डिफरेंस कितना आया भाई, 40 मार्क डिफरेंस आया याद रखना, 40 मार्क। तो यही होता है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यही जो 40 मार्क आर करके एसएससी एक सबको एक लेवल में लाएगा, सपोज 115 हो जाएगा कट ऑफ। ओके 115 सपोज कट ऑफ हो जाएगा, फिर 100 कट ऑफ कर देगा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऐसे कुछ होगा, 100 तो नहीं करेगा, 115 तो कटअप हो सकता है। ओके 115 कटअप हो सकता है, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अभी चल रहा है। एंड मंडे को आपका मंडे को केस फाइल होने वाला है, 3,45,000 उस ग्रुप में ऑलरेडी जमा हो चुका है, आप चाहें तो उस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए आप चाहते हो तो, नहीं तो अब ठीक है आपका मोटी बट वो बंदा बहुत ही मेहनत करता है, आप बैंकर साइट जाके उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। ओके तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही अपडेट था कल, अगर अब इसका लाइक मिला कमेंट मिला तो अपडेट में कल के लिए भी अपडेट ऐसा नॉर्मलाइजेशन हर दिन क्या क्या होता है नॉर्मलाइजेशन हो गया आपको जिनको है नहीं, मैं टाइट के लिए प्रिपरेशन करूँगा नहीं करूँगा उसके लिए मंडे तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या आपको करना है या फिर नहीं करना है। अभी स्टॉप मत कीजिए टाइट के लिए प्रिपरेशन करते चलिए, बट मंडे तक आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।